तो शायद तुम्हें ये पता चल गया होगा कि फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर से हो गया जी मोए मोए। मोए मोए हो गया। आई मीन भाई गरीना वालों को लात मार के प्ले स्टोर से निकाल दिया। वैसे हरकतें कुछ ऐसे इन लोगों की, क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, एक नया पॉलिसी कारण हुआ है, मतलब प्ले स्टोर का एक पॉलिसी है जिसके अंदर प्री रिटर्न करके रखोगे और 90 दिन के अंदर उसे लॉन्च नहीं करते हो तो उसे बाहर निकाल देते हैं। हाँ, चाहे गरीना वाले तो फिर से एंटर कर सकते हैं, बट इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, वो उसकी मर्जी है। ओके, लेकिन हम आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले फ्री फायर के नए अपडेट के बारे में जो कि हमें बहुत जल्द देखने वाला है, OB43 का, कैसे बोल सकते हो, जो कि नए साल पे नए मैप के साथ आने वाला है। वैसे मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, बट श्योर, आगे देखते हैं। और इस बार का अपडेट जो नए साल पे आने वाला है, तो आई मीन हो सकता है कि हमें कुछ नया खुशखबरी मिल जाए और गरीना वाले फ्री फायर इंडिया को साथ में दे दे, बट ये कंफर्म नहीं है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन अपडेट तो श्योर आने वाला है। तो ठीक है, उसके चीजें हम बाद में बात करेंगे, बट कुछ और चीजें दिखाता हूँ। शुरुआत तो भाई हमारा गोल्ड रॉयल बंडल से कर देता हूँ, क्योंकि देखो हर अपडेट में ना गोल्ड रॉयल बंडल चेंज हो जाता है। और इस बार का जो बंडल मिल रहा है वो फीमेल बंडल, जो कि किसी को पसंद तो नहीं आएगा। वैसे फीमेल बंडल तो पसंद नहीं आता, बट फीमेल तो सबको पसंद आता है ना। अबे साले, ओके डोंट वरी, ठीक है। तो ये फीमेल बंडल है जो शायद तुमने निकाल लिया होगा, अच्छी बात है। नहीं निकाला होगा तो भी अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट गोल्ड बंडल आने वाला है, जो कि रहा ये वाला, एकदम मस्त। हाँ, उतना ही मस्त तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी यार ये फीमेल वाला तो आई थिंक ठीक ठाक है ना, इसे थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन हाँ, हमारा जो नेक्स्ट गोल्ड वेल बंडल होने वाला है, जो कि इस बार OB43 की अपडेट पे देखने को मिलेगा, वो है ए मेल बंडल, ये वाला। तो ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लगा, बट ठीक है, फ्री में और इससे अच्छा क्या ही चाहते हो। तो इसमें अब तो आने में बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है मिल जाता है तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। और हाँ, एक और चल हमारे गेम पे, मतलब यहाँ पे वेपन रॉयल पे, जो कि पहले तो वेपन रॉयल था, बट अब इसे गोल्ड रॉयल बोलो तो ही अच्छा, क्योंकि इसे हम गोल्ड से भी स्पिन कर सकते हैं। और इसके अंदर में मिल रहा है एक ग्रोजा का स्किन, जो आई थिंक उतना तो अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है। तो आई थिंक इसे निकाला होगा, नहीं निकाला होगा तुम्हारी मर्जी, बट मैंने तो इसे नहीं निकाला क्योंकि मेरे पास इससे अच्छे वाले पहले से पड़े थे। ठीक है, लेकिन मैं तो बताता हूँ इसके नेक्स्ट में कौन सा वेपन आने वाला है जिसे तुम पक्का निकालने वाले हो, क्योंकि बारे इतना ज्यादा झकास एंड मस्त है। तो गोल्ड वाले थोड़े बचा के रख लेना, क्योंकि वो भी तो गोल्ड से निकलने वाले ना। तो ये तो ग्रोजा का एंड नेक्स्ट वेपन आने वाला है, जो कि रहा ये, नाम क्या है इसका यार, छोड़ो ना, नाम से क्या मतलब है, डबल यूज़ पे बोल लो या कुछ भी बोल लो, नाम तो तुम्हें सामने देखने को मिल रहा होगा। ठीक है गाइस, ये वाला वेपन काफी ज्यादा जबरदस्त एंड मस्त है, जो कि बहुत ही कम प्लेयर के पास में शायद इसका स्किन वगैरह होगा भी एंड नहीं भी होगा, और देखने में बहुत ज्यादा मस्त दिख रहा है। वैसे हम ज्यादा इसे यूज नहीं करते, हाँ बच्चे क्लास स्क्वाड में सीएस मैच खेलोगे तो फर्स्ट सेकंड राउंड में देखने को मिल जाता है, उसके अलावा आई थिंक कभी यूज करते भी नहीं होगे, लेकिन हाँ निकालोगे जरूर से, मुझे पता है, क्योंकि देखने में बहुत ज्यादा झकास दिख रहा है। तो ये हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल गोल्ड रॉयल, अरे यार डायमंड रोल क्या बोलूं इसे, चलो ठीक है, ये तो डायमंड रोल पे आने वाला है, बट आई थिंक निकलने तो गोल्ड से ही वाला है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला। ओके, अब और कुछ दिखा। ओके, तो मुझे ना कुछ फोटोज वगैरह मिले हैं जिससे ना थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि हमारे गेम पे जो नया अपडेट आने वाला है OB43 का, उसमें ना कुछ न्यू मैप देखने को मिल सकता है। अब इससे पहले तुमने फ्री फायर इंडिया का पोस्टर ये वाला देखा होगा, जिसमें देख के भाई पूरा पूरा देख रहा है कि भाई फ्री फायर इंडिया का मैप हमारे गेम पे आने वाला है, क्योंकि उसका लोकेशन नीचे बना हुआ है। तो कुछ ऐसे तुमने सोचा था ना, सेम ऐसे फोटोज और भी मिले जो कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब इस वाले पोस्टर को देखा जाए ना, तो भाई एक मैप जैसा देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखोगे तो बहुत ही अलग है, क्योंकि शुरुआत में अगर इस मैप को देखोगे फोटो को, तो देखने में लगा कि ये परगेट्री मैप है, क्योंकि नदी वगैरह देख कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इसके बीच में विंडमैन लगे हैं पंखे वगैरह, तो ये तो भाई नेक्स्ट जनरेशन मैप के अंदर एंड अल्पाइन मैप के अंदर है, कि वो भी इसके अंदर ऐड होने वाले। एंड साइड भी देखोगे तो भाई रेड कलर का पूरा मैप बना हुआ है, जो कि अल्पाइन मैप में आता। तो मतलब ये है कि भाई कुछ ऐसा मैप हमें देखने को मिल सकता है जिसके अंदर ना सारे मैप का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब हमारे गेम पे भी ना बहुत सारे मैप पड़े हैं ऑलरेडी, 6-6 मैप तो है, एंड उस सभी का मिक्सर ना एक मैप के अंदर डाल दिया जाए तो सबका फेवरेट बन सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे तो सबका फेवरेट बरमूडा मैप ही है। एंड साथ में भाई ये भी देख लो, इसके बैकग्राउंड पे पूरा रेड कलर का मैप देखने को मिल रहा है। मतलब ये सारे फोटोज मिलके ना भाई कुछ ऐसे ही सारा कह रहा है कि गेम पे कुछ नए अपडेट के साथ नया मैप हमें देखने को मिल सकता है 2024 के नए अपडेट OB43 के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और अगर फ्री फायर इंडिया भी उस समय देखने को मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी भाई। खैर, ये तो रहा मैप की बात ना, तो लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगा कि इस बार जो हमारा ओपी का अपडेट आने वाला है उसके अंदर हमें कुछ ओल्ड चीजें भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इस बार का सर्वे आया था गेम के अंदर, जो शायद तुमने पार्टिसिपेट किया नहीं, मुझे नहीं पता, बट हाँ उसके क्या होगा तो पता होगा, उसमें ओल्ड चीजें के बहुत सारे सर्वे किया गया था, जिसके अंदर भाई ओल्ड पिक, ओल्ड मैप वगैरह जो भी बहुत सारी चीजें थी, जिसके अंदर बताया गया था कि हमें क्या देखने को मिल सकता है, दोबारा हम देख सकते हैं। बट देखो, मैं जिस तो मैं गारंटी देता हूँ ना कि हमारे गेम पे कभी भी ओल्ड वाली चीजें देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हमें उसे याद लेने के लिए कुछ वैसा चीजें देखने को मिल सकता है, बट सेम टू सेम जो ओल्ड वाली फील है ना, वो इस गेम के जो अभी हम हाई ग्राफिक्स में खेल रहे हैं ना, उसमें वो फिट एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए सारे ओल्ड वाली चीजें तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके रिलेटेड करीना वालों ने एक जुगाड़ बढ़ाया, जो कि
देखो तुम लोग, तो जैसे कि तुम्हें पता होगा अभी हम बरमूडा वेब के अंदर एक फैक्ट्री देखने को मिलता है, बट ये फैक्ट्री पहले ऐसा नहीं था। पहले का जो ओल्ड फैक्ट्री था वो बहुत ज्यादा अलग था, जिसके ऊपर हम बंदे उतर के बहुत ज्यादा फाइट करते थे। एंड उसकी याद में ना गरीना वालों ने एक नया गन लॉन्च किया जो कि ये रहा। अब इसे देखा जाए ना तो ये पूरा का पूरा ओल्ड वाली जो फैक्ट्री है ना, सेम टू सेम वैसा ही उसका पोस्टर इस गन के ऊपर चिपका दिया है। और लो, हमारे ओल्ड फैक्ट्री वापस आ गया ना, तो कुछ ऐसा ही आने वाला है। एंड सेम ऐसा ही पिक के साथ हुआ है, क्योंकि हमारे गेम में जो ओल्ड पिक था भाई, टूटा वाला ब्रोकन हाउस, कितना ज्यादा मिस करते हो ना, वो लो गाइस इससे भी वापस आ दिया इस गन के साथ में। मतलब भाई P90 को तो क्या बना दिया इन लोगों ने। तो इसके ऊपर ना पूरा का पूरा जो ब्रोकन हाउस था, टूटा वाला हाउस पिक के, उस हाउस को MP90 के अंदर चिपका दिया है। और ये लो हमारे पुराना पिक भी वापस आ चुका है। तो कुछ ऐसी चीजें हमारे याद गेम पे वापस आने वाला है, ना कि सेम टू सेम। भाई गरीना वाले बड़े तेज है यार, देख लो हमारे ओल्ड सीरीज के सर्वे लेते हैं और हमें ओल्ड वाली चीजें किस हालत में देते हैं। मतलब भाई मैप को इस लोगों ने गन पे ऐड करके दे रहे हैं और बोल रहे हैं लो ओल्ड वाली चीजें वापस आ गया। ए क्या बात हुई यार, ये मतलब ऐसा थोड़ी होता है भाई, चीटिंग कर रहे हैं ये लोग। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो भाई खैर बात तो सही है। तो हमारे गेम पे ना अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, आई मीन विंटरलैंड का इवेंट। तो अभी गेम पे हमारे ना भाई कब से फाइल पे अटका हुआ है कि विंटरलैंड का इवेंट ये वाला, जो कि अभी तक हमें गेम पे देखने को मिला नहीं है। आई थिंक हमारे गेम पे मिस्ट्री शॉप का शुरुआत तो आई थिंक हो चुका है। वैसे बताना यार तुम्हारा कितना परसेंट लग निकला? भाई मेरा तो क्या बोलूं, 30 ये देखो। ठीक है वैसे भी कोई बात नहीं यार, इसके अंदर 90% निकल जाए तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर तो रिवॉर्ड तो कचरे दे रखे हैं इन लोगों ने। और वैसे भी ये फीमेल एंड मेल का बंडल तुमने देख लेगा जो कि इसके अंदर देखने को मिल चुका है। इसके अलावा बहुत सारे और भी रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे जो कि ऐसे ही मैं ऐसे नहीं, बस एक टोकन के जरिए देखने को मिलेगा। ये टोकन हो सकता है हमें लॉगिन रिवॉर्ड या कुछ मिशन के जरिए देखने को मिल सकता है, या फिर हमें गेम पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब सुनो वगैरह, जैसे फोड़ के हम टोकन लूट करते थे पहले। यार कितना ज्यादा मजा आता ना उस टोकन को लूटने में। तो हो सकता है कुछ वैसे टोकन देखने को मिलेगा अंदर से भाई, स्नो वगैरह फोड़ के लूटने के बाद। तो हो सकता है अगर वैसा होगा तो काफी अच्छी वाली बात है। बट इसके अंदर रिवॉर्ड में कुछ खास चीजें देखने को नहीं मिलेंगे, एक वॉचर वगैरह है, दूसरा बैकपैक का स्किन है जो कि उतना कुछ खास है नहीं। भाई देख लो, तुम्हें अगर अच्छा लगा तो भाई क्लेम कर लेना, बट मुझे तो एक गन के काफी ज्यादा बेस्ट लगे जो कि इस इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। एक ओक का स्किन है, एक एमेटोबे का स्किन है, दूसरा तीसरा मतलब ड्रैगनों की स्किन है, तीन स्किन देखने को मिलेंगे। हो सकता है तीनों में से एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल सकता है, बट कह नहीं सकते कुछ। और साथ में कुछ कचरे के साथ ना एक लोबे प्लांट भी देखने को मिलेगा, एक या दो, जिसके अंदर हमें फेंक के लूट के डायमंड नहीं लूट सकते। यार क्या डायमंड भाई, पहले लूटते थे, अब सिर्फ कचरे मिलते हैं इसके अंदर। मतलब यार वो भी क्या दिन थे ना, जिसके अंदर लोबी प्लांट में हमें डायमंड्स मिलते थे, बट अब तो यार सिर्फ कचरे ही कचरे। ओके इसके अलावा गाइस ये देखो, ये बंडल है जो कि इस बार विंटरलैंड का खास बंडल होने वाला है, बट मुझे तो कहीं से ही खास लग नहीं रहा, एकदम धोबी सा चपोड़ी का बेकार सा बंडल। ओके कोई नहीं, क्योंकि यार ये सारे फायर से ना फ्री वाले बंडल थे इसलिए सबके सब बेकार से थे, बट पैसे वाले बंडल देखोगे तो यहाँ पर रिवॉर्ड बहुत सारे हैं जो किसी विंटरलैंड के हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें डायमंड खर्च करने पड़ेंगे, आई मीन पैसे लगने वाले, तो जाके हमें कुछ बेस्ट रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। और फ्री वाले लोगे तो भाई कुछ वैसे ही मिलेंगे। खैर ऐसी चीज तो भाई हमारे लिए अब आम बात हो चुकी है, तो ये सबकी आदत पड़ चुकी है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बट हाँ एक चीज बताना तुम लोग, यार फ्री फायर इंडिया के लिए एक्साइटेड होने के लिए या फिर फ्री फायर का OB43 के लिए? मैं तो बोलूँ तो मैं OB43 का एक्साइटेड हूँ काफी ज्यादा। वैसे फ्री फायर इंडिया को भरोसा होता पता कुछ भी है नहीं यार, गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते, बट OB43 का अपडेट तो पक्का आने वाला है, तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ तुम्हारी आदत है ना लाइक करने की, लाइक तो करो और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।